गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इट्स फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4, जिसका टाइटल है द ट्री दैट नेवर स्टॉप गिविंग। पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। बुक से रीड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो लड़का क्या है, वृक्ष के पास आते हैं और नाव के लिए क्या करते हैं, मदद मांगते हैं, ठीक है। तो वृक्ष क्या करते हैं, अपने जो शाखा जो होते हैं वृक्ष की, उसको क्या करते हैं, उसको देते हैं, ठीक है। नाव बनाने के लिए, मदद के लिए आते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक, वृक्ष के पास। बाकी वो शाखाएं जो है, पत्तियां जो है, वो तो सब ले लिया था, अब उसके पास क्या है, तना बस बचा है, ठीक है, छोटा सा तना बस बचा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट बट इट विल मेक यू ए साउंड बोट, सेट द ट्री। तो जब उनके पास नाव के लिए आते हैं लड़का, ठीक है, तो वृक्ष क्या कहते हैं, टेक माई ट्रंक, मेरी तना जो है वो ले लो, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बस मेरे पास इतना ही बचा है, बट इट विल मेक यू ए साउंड बोट, ठीक है, सेट द ट्री। तो लड़का क्या करता है, इसका मैं अच्छे, ये तुम्हें अच्छी नाव बनाकर देगा, ठीक है। तो ऐसा वृक्ष ने कहा कि मेरे पास इतना ही तना बचा है, इसको ले लो, ये तुम्हें अच्छी नाव बनाकर देगा। साउंड बोट मीन्स होता है अच्छी नाव, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द थॉटलेस बॉय टुक द ट्रंक, मेड इज बोट एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री एंड व्हाट ही हैड डन टू इट। अब थॉटलेस बॉय, लापरवाह, मतलब लापरवाह विचारहीन जो लड़का है, वो क्या करता है, ट्रंक मेड हिज बोट एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग, वृक्ष के बारे में बिना एक भी बार सोचे वो क्या करते हैं, तना को ले लेते हैं, काट लेते हैं और नाव बनाकर वो क्या करते हैं, सेल्ड अवे, कहीं दूर सैर पर निकल जाते हैं, ठीक है। द ट्री एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, अब आगे पढ़ते हैं। फाइनली द बॉय बिकेम ए ट्रायड ओल्ड मैन, ठीक है। अब क्या होता है, अंत में वह लड़का क्या करता है, टायर्ड ओल्ड मैन, थका हुआ और बूढ़ा हो जा रहता है, और अंत में वृक्ष के पास आते हैं। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड, ठीक है। और उसके बारे में क्या करते हैं, जो वृक्ष जो है वो कृतज्ञता पूर्वक अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं, मतलब उस लड़के के बारे में सोचते हैं। द ट्री कम बॉय, और वृक्ष कहते हैं कम बॉय, लड़के को बुलाते हैं, कॉल्ड द ट्री, ठीक है। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम, और उनसे कहते हैं कि यहाँ आओ और मेरे ठूंठ पर, तना पर क्या करना है, यहाँ पर आराम करो। इट मेक्स ए गुड सीट, यह बैठने का बहुत ही अच्छा जगह है। वी कैन ही बी हैप्पी टुगेदर, ठीक है, और हम दोनों वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, और दोनों क्या एक दूसरे के साथ में खुश रहेंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुल फॉर वंस सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प, ठीक है। और लड़का जो है वो कृतज्ञता पूर्वक क्या करते हैं, उस वृक्ष के ठूंठ पर बैठते हैं, ठीक है। द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प, और उस तने पर बैठकर सूर्य की गर्मी में उस तने पर बैठते हैं। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और उनको बैठते हुए देखकर वृक्ष क्या होते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है आज ख़त्म हो गया, और इसमें बैक क्वेश्चन जो है उसको क्या करना है, रीड करते जाना है, और जो भी डाउट होगा उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।